गाइज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटिवेशन के रिलेटेड इतने सारे वीडियोस मिलेंगे जो देखने के बाद आपको कुछ भी करने से दुनिया रोक नहीं सकता। और ये मेरा वादा है कि आपको मैं मोटिवेटेड रखूँगा और सक्सेसफुल बना के ही छोड़ूंगा, क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे तो मेरा देश भी सक्सेसफुल होगा। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की मोटिवेशन की वीडियो। अगर ये जिंदगी एक खेल है तो इस खेल के अंदर क्या मैं एक के बाद एक दाव लगाता ही चला जा रहा हूं, अपने डिजायर्स को बढ़ाता ही चला जा रहा हूं, और इन डिजायर्स के पूरे ना होने की वजह से खुद ही दुखी होता चला जा रहा हूं और ब्लेम किसी और पे डालता चला जा रहा हूं, या फिर खेल को खेल की तरह खेल रहा हूं और जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उसको साइड में करके आगे बढ़ रहा हूं। लाइफ के हर कदम पे, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हमारे पास दो चॉइसेस होती है, कुछ करने की कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल होगे कितने फेल होगे, वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लग जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती हैं, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खड़े उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। दिन में हजार डिसीजन नहीं लेने आपको, कम लो, एक लो, छोटे से छोटा लो, छोटे से छोटा डिसीजन, लेकिन उसको पूरा करो। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं, कभी भी देख लेना। तो छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता भी नहीं। अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे, वो सब कैसे होगा, सिर्फ एक छोटे से बीच से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसने नहीं लगाया। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। गड़बड़ है, आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। भगवान की प्रॉब्लम पता क्या है इस युग में, उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे, जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे, आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का, नहीं कर सकते। तो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से ये डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए, कह रहे मर जाऊंगा कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा तपा दूंगा लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। जैसी हमारी नजर होगी इस दुनिया को देखने की, ये दुनिया हमें वैसी दिखेगी नहीं, ये दुनिया वैसी ही है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे उस नजर से दुनिया आपको दिखेगी नहीं, आपके लिए दुनिया वैसी ही है। और जब तक अपनी नजर को नहीं बदलोगे ये दुनिया नहीं बदलने वाली।